ये वीडियो के जरिए बताना चाहता हूँ कि अंदर के भूत मरवाना पड़ता है, आके करवाओ या ऑनलाइन करवाओ, करवाना पड़ता है। यहाँ आओगे एक का 300, ऑनलाइन कराओगे एक का 500। अब जनता डिसाइड कर ले कैसे क्या करवाना है। इसके ऊपर हो 2.5 महीना से। कैसे मर गई थी तुम? फांसी लगा के। काहे को फांसी लगा लिया था? गुस्सा में। शादी हो गया था? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं थे। हिंदू हो मुस्लिम हो? मुस्लिम। क्या नाम है तुम्हारा? नाम नहीं पता। तुम्हारा खुद का नाम? मेरा नाम नहीं पता। कितने साल से इसके ऊपर हो? 2.5 महीना से। लोग घर खाली करके गई थी नया घर में, ये सूर्यासीन का पानी छिट दिस था, इसको पहमा भी हो गए। ये लड़की बर्तन धो रही थी, इसके सिर में हम घुस गए। अच्छा, इसके सर में घुस गई। इसको सिर भारी रखते हैं। अच्छा, इसको करके किसने खिलाया पता है तुम्हें? ये नहीं पता। इसको तकलीफ क्या क्या देती हो तुम? बहुत तकलीफ इसको हम देते हैं। क्या? जान हाथ में थरथराहट, सिर भारी रखते हैं, दिन रात इसको सुताए रखते हैं। सोई रहती है ये? जी। चलो कोई बात नहीं, पट्टी खोल दो, नींबू दो इसका। और आपको कुछ बात करना है कर लो। कहाँ से पकड़ा? कहाँ से पकड़ा? मलिक जी के घर से कहा है इसको पकड़े। कहाँ से आई हो आप? पटना से। ये कौन है आपकी बेटी? परेशानी। कितने साल से परेशान है ये? ज्यादा साल नहीं हुआ, और मुश्किल से 3 महीना हो रहा है। 3 महीना? इन्हें महीना में बहुत परेशान कर दी, बहुत। टोकन इसका कहाँ है? हरा वाला। इतनी परेशान कर रही है कि हम लोग एकदम परेशान हो रहे हैं। इसके इसके सिर में घुस गए थे। अच्छा, इसके सिर के अंदर घुस गए? अभी भी घुसे हुए हैं। कोई बात नहीं, अभी हम तुम्हें बाहर निकाल देते हैं। बाल दो, पूरा क्लोथ में बाल बाल दो, हमें पट्टी खोल दो। अब तुमको हम ऊपर भेजने जा रहे हैं। 50% फायदा हुआ है। 50% फायदा हुआ है? यहाँ पहली बार आए ऊपर के? दूसरी बार। पहली बार में 50 हो गया। ऊपर कितने थे? ऊपर 5-5, नीचे थे, फिर अभी 5 निकला मट्टी में। कुल कितना पैसा खर्चा हो गया टोटल? 6,000 में ठीक हो गया। 6,200 रुपए में ठीक हो गया। कितने भाभी बाबाओं को दिखाया? कोई दूठो हाफी साहब से खरीदे। अच्छा ठीक है, इधर आग खोल, मेरी तरफ देख। आप तेरा यहाँ से बहुत फायदा है नजर आया बाबा, तब हम आए ये कि भाई अब तो खत्म हो गया। बहुत परेशान कर रही हूँ मैं, हम घबरा गए। चल भाग जा, भाग चिता पे। कितने बेकूफ ऊपर के भूत मरवा के चले जा रहे हैं, भूल गए अंदर के भूत नहीं मरवा रहे। उनको नहीं पता है, पता नहीं, नेट पे सब जानकारी है, अंदर के भी भूत मरवाना पड़ता है। उसने जड़ी बूटी खा लिया, बस काम बताओ। ये वीडियो के जरिए बताना चाहता हूँ कि अंदर के भूत मरवाना पड़ता है, आके करवाओ या ऑनलाइन करवाओ, करवाना पड़ता है। यहाँ आओगे एक का 300, ऑनलाइन कराओगे एक का 500। अब जनता डिसाइड कर ले कैसे क्या करवाना है। नहीं अब नहीं, आपका तो हो गया, 2 राउंड आना पड़ता है। कभी दिक्कत होगा तब आना, कभी दिक्कत होगा तब आना। क्या हुआ, काहे रो रही है लड़की? क्या हुआ है? ऐसे ही रो रही हो? कितने दिन पहले आप आई थी यहाँ? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। तो यहाँ ऊपर के भूत मरवाने से कई % फायदा हुआ आपको? 50% हो गया था। जड़ी बूटी खाए तो फायदा हो गया। क्या निकला था उल्टी में? उल्टी में तो कुछ नहीं निकला। दो रास्ते हैं निकलने के, जो बोलता है वो निकलता है। चाहना तो चावल जो बोला था पंडित, तो चावल निकला। बाथरूम से निकलेगा, निकलना तय है। दो रास्ता है, उल्टी या लैटरिन। कितने गधे कहते हैं हमें उल्टी नहीं हुआ, नहीं निकला। अरे नहीं, अब नहीं, खत्म हो गया। 2 राउंड में काम खत्म हो जाता है। पहले दिन ऊपर के मिट्टी के मरवा सकते हो, दूसरी बार जड़ी बूटी खा के आके मरवाओ या ऑनलाइन करवाओ। भाग जाओ, अब हंसने का दिन आया तो रो रही हो। चलो भाग। अंदर के भूत मरवाने के लिए जनता को बोल रहा हूँ, आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी करा सकते हो। 25 वाला जो आखिरी नंबर है, 25 वाला नेट पे हमारा, उस पर बात करके पैसा भर के। बहुत से बेवकूफ लोग फोन कर रहे हैं कि हमने वहाँ गए थे बनारस में, सारा पैसा भर दिया, एडवांस में हम लोग लेते नहीं किसी से, ठीक है? तो वो फोन करके परेशान ना करें, पैसा आप लोग सिर्फ जो काम करा रहे उसका ले रहा हूँ। और अंदर के भूत के पैसा हम लोग यहाँ नहीं लेते हैं,
आप जब कराओगे ऑनलाइन कराना चाहते हो तो वहाँ पैसा भरने के बाद तब आप कराओगे, ये नहीं कहोगे कि हमने पैसा भर दिया, बनारस जाके पैसा भर दिया, पैसा नहीं होता है, पैसा हम लोग लेते नहीं अंदर का, जड़ी बूटी खाने के बाद ही आने के बाद ही लेते हैं, या आप ऑनलाइन भर के काम करा सकते हो। और अतः पता लोग फोन करके पूछते हैं ये गलत है, हर वीडियो में पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी है। तो फोन करने से पहले 10 बार सोच लेना कि हम क्या कर रहे हैं, फोन क्यों कर रहे हैं, जो ना लिखा हो उसके लिए फोन करो, हम लोग बताएंगे। पता लोकेशन पूछोगे तो मैं गधा बोलूंगा, क्या बोलूंगा बोलो भाई, गधा, हाँ गधा बोलूंगा। सारी जानकारी है, यूपीएस पे डाल दो, जीपीएस पे डाल दो, सब बताता रहता है वो, फिर भी लोग आता पता है कौन सी ट्रेन पकड़ू, कौन सी प्लेन पकड़ू, कौन सा रास्ता पकड़ू। अरे भैया पूछताछ इंक्वायरी ऑफिस नहीं है भाई, हमारा जो काम है वही हमसे करवाओ। और किसी भी व्यक्ति को हम गारंटी भी नहीं देते, ये भी लिखा हुआ है नेट पे, शब्दों में भी बोल दे रहा हूँ, 100 में 95 ठीक होते हैं, 5 नहीं होते, कोई भी हो सकता है 5, हम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते। अब आप लोगों का चेक हो गया है, आप लोग भूत मरवाएं ना मरवाएं आपकी मर्जी है, टोकन पे भी लिखवा लेते ना, एक आके टोकन दो, दिखाओ ये लिखा हुआ है ना, देखो ये भी दिखा दो, विधवा दिखा, जो भी करा रहे हैं आप अपनी मर्जी से करा रहे हैं, हस्ताक्षर आपने कर दिया, आप ठीक होते हैं नहीं होते हैं ये सब लिखा हुआ है, अगर आप लोग ना पढ़े हो तो आप किसी से पढ़वा लें, ठीक है। अब जो जड़ी बूटी खा के आए वो लाइन में लग जाए, और फिर जिसको भूत प्रेत मरवाना वो भी लाइन में लग जाए, एक भूत मारने का 300, एक जड़ी बूटी 300, ठीक है, खुद भी जोड़ सकते हो, 5, 6, 11 का ऊपर क्लिक करो, कितना पैसा हो रहा है वो देख लो, अंदर जाके परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, भूख लगा के पैसा गिनना यहाँ अपराध है एक तरीके से, हम आपको बाहर भगा देंगे। बहुत से मौलाना लोग कुरान शरीफ पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, पलटेंगे उन गधों को, उस पर किसका नाम लिखा हुआ है मुल्ला जी, खड़े हो इधर आओ, गधे इधर आओ, जल्दी इधर आओ, कुरान लिखा हुआ है ना, अगर हम भूख निकाल के आपके कपड़े में आपके ऊपर लगाऊं तो कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। तो ये बेवकूफो अनपढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, भूख लगा के ना पलटो, पानी रख लो, 5 रुपए की डिब्बी आती है ना फार्म वाला, उससे पलटो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। मैं एक ही आदमी को टारगेट नहीं बनाता हूँ, मैं सारे को बना रहा हूँ, सबको। और ये मरते दम तक याद रखना, अगर ये भूख लगा के रुपया गिनने की एक गलती किया, मैं भी देखी देखो मैं क्यों करूँ, उसको भी मना करूँगा, ये मत करो, गलत है। वहाँ पानी रखा हुआ है, आपको लगता है कि ये हम ज्यादा दे दिया, आप पानी बाहर है, पूरी टंकी है हमारे पास, तो मजे से गिन के आ जाओ, लिस्ट लगा हुआ है, आप देख के अंदर आए, ठीक है। मतलब कि एक दिन पहले आने का मतलब क्या, हमें फोन भी किए थे क्या, नेट पे हमने लिखा है कि एक दिन पहले आओ तुम्हारे लिए खुल जाएगा, रूम दे देंगे, धर्मशाला दे देंगे, ये धर्मशाला तुमको दिख रहा है, लंदन से आप आ रहे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जिस दिन लिखा हुआ है नेट पे लिखा हुआ है ना उसी दिन आना चाहिए, बाहर रुके हुए थे, फोन हमें किया, हमने कहा फौरन वहाँ से निकल जाओ, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, फिर आप कहीं 200 रुपये रात में बिताए, वो भी सेफ जगह नहीं है, ठीक है। अगर कोई दुर्घटना घटती है जो एक दिन पहले आता है उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा, यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, हाँ वो चलेगा, नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा, और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है, आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को, वहाँ आप लोग रुकते हो, अगर मौत हो जाए, छीनना झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए, नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन, 9 बजे खुला, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। नहीं।
अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं।